हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। आज हम वीडियो नंबर 47 बना रहे हैं सब्जेक्ट का, और जैसा कि आप सभी को पता है हम मॉड्यूल 2 पढ़ रहे हैं, स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट्स। एंड लास्ट के 2 वीडियोस में अगर आपने दोनों वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने सीरीज RL सर्किट्स के बारे में डिस्कस किया था, और ये देखा कि उसमें करंट का क्या एक्सप्रेशन आता है, फेजर डायग्राम हमने पढ़ा था। उसके अलावा एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था, एंड कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में डिस्कशन किया था, पावर फैक्टर के बारे में डिस्कशन किया था, राइट? तो ये दोनों लास्ट के जो 2 वीडियोस कवर किए हैं, इन सब टॉपिक्स को लास्ट दोनों वीडियोस में कवर किया गया है, राइट? उसके बाद आगे अगर कंटिन्यूएशन में बात करें, जो जितनी भी टर्म्स हमारे सामने आई उन सब टर्म्स के बारे में हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया, उनको समझने की कोशिश की कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे कैसे इन चीजों को हम यूज कर सकते हैं, राइट? तो आगे हम बढ़ते हैं अपने सीरीज सर्किट के कंटिन्यूएशन में। जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज RL हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डू RC सीरीज सर्किट, ठीक है? RC सीरीज AC सर्किट मींस जो हमने लेक्चर नंबर 45 में पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि R के साथ L को, इंडक्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है AC वोल्टेज सोर्स के साथ। इन दिस केस वी विल कनेक्ट द कैपेसिटर इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस एंड AC वोल्टेज सोर्स विल बी कनेक्टेड विद सीरीज, राइट? तो इसका जो सर्किट डायग्राम होगा, दैट सर्किट डायग्राम विल लुक लाइक दिस। वी हैव ए AC सोर्स हियर V, जिसका एक्सप्रेशन हमारे पास है Vm sin ओमेगा t, एंड देन वी विल कनेक्ट ए रेजिस्टेंस and a capacitance. So this is the case we are going to discuss here. This is the resistance R, this is the capacitance C, and the current which is flowing through this circuit can be represented by I, or in terms of instantaneous values of voltage, the voltage across the resistance can be written as VR, and here we can write VC, or you can represent this entire circuit in terms of RMS. So the same circuit will be applicable, there will be no change in the circuit. Only the values जो हम represent करेंगे वो capital letter से होगी, जैसे this V will become capital of V, this I will become capital of I, this will be R, this will be C. The same current will be flowing through the entire circuit because it is a series circuit, and the voltage across VR is VR, the voltage across C is VC, right? So in terms of RMS values you can write, you can create this circuit like this only. ओके, यहाँ पर जो भी चीजें हमने यूज की हैं उन सभी के बारे में हम सबको पता है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लाइक वी हैव V, दैट इज RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है? वी हैव करंट I, दिस इज RMS वैल्यू ऑफ द सर्किट करंट, मींस जो एंटायर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसको हम सर्किट करंट कहते हैं। तो दिस आई इज द सर्किट करंट, RMS वैल्यू ऑफ द सर्किट करंट। VR इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस R कैन बी रिप्रेजेंटेड विद I इनटू R, रेजिस्टेंस इनटू करंट। ऑल्सो वी कैन राइट VC इज द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, राइट? वोल्टेज अक्रॉस C can be represented by I into XC. आपको पता है XC को हम कहते हैं capacitive reactance, जो कि एक resistance की तरह act करता है, जिसका unit भी ohm होता है। तो अगर हम उसमें current का multiply करेंगे तो हमें directly क्या मिल जाएगा, voltage across the capacitor मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें clear हैं, right? इसके बाद अगर आप VR और VC का relationship देखें current के साथ, तो हमें क्या मिलता है? आपको याद है pure resistance वाला case? प्योर रेजिस्टेंस वाले केस में हम कहते हैं कि जो भी वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस है और जो भी करंट रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, उन दोनों में देयर इज नो फेज डिफरेंस। सो यहां पर हम कहेंगे R के लिए, रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास जो फेजर डायग्राम बनेगा, दैट विल बी दिस इज योर R, VR, दिस इज योर I, देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VR, रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रहा है वो I जा रहा है। दोनों सेम फेज में हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल क्वांटिटीज है, ये हम पढ़ चुके हैं प्योरली रेजिस्टिव केस में, राइट? सिमिलरली C के केस में, प्योरली कैपेसिटर के केस में, यहाँ पर जो करंट है वही सेम करंट C के थ्रू जा रहा है, और जो वोल्टेज है
सी के अक्रॉस वो है वी सी। तो वट इज द रिलेशन बिटवीन वी सी एंड आई फॉर ए प्योर कैपेसिटर? हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करता है, राइट? सो लेट अस से दिस इज द करंट हियर। मैं करंट को इंटेंशनली यहाँ पर बना रहा हूँ क्योंकि दोनों के करंट को मैं सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, जिससे कि हम आर सी के कंबाइंड फेजर डायग्राम पे करंट को एज ए रेफरेंस फेजर ले सकें। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो क्वांटिटी सर्किट में कॉमन होती है, सारे एलिमेंट्स के थ्रू जा रही होती है, उस सर्किट में हम उसको रेफरेंस मानते हैं। जैसे सीरीज सर्किट में यूजुअली करंट होता है सेम, और पैरेलल सर्किट्स में वोल्टेज हमें यूजुअली मिलती है जो कॉमन होती है, राइट? सो हियर हम करंट को अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो हमारा रिलेशन है कैपेसिटर के लिए कि करंट 90 डिग्री से लीड करना चाहिए। मींस करंट अगर यहाँ बना हुआ है तो वोल्टेज इससे 90 डिग्री से पीछे होना चाहिए। सो वी विल मेक दिस वोल्टेज हियर, दिस इज वी सी एंड द एंगल ऑफ लैग विल बी 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि करंट 90 डिग्री से लीड कर रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 90 डिग्री से लैग कर रहा है। हमने जो पहले बनाया था ये, उस समय हमने कुछ इस तरह का बनाया था, ठीक है? बोथ आर द सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है? दिस इज एंगल रोटेशन ऑफ ओमेगा, दिस। तो बोथ ऑफ दीज फेजर डायग्राम्स आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। हमने जस्ट उसको रोटेट करके बनाया है, ठीक है? तो आप देखेंगे हमने प्योर रेजिस्टेंस वाला केस बना लिया, प्योर कैपेसिटर वाला केस बना लिया। इन दोनों को बनाने के बाद अब हम कंबाइंड ऑफ दिस सर्किट का फेजर डायग्राम आसानी से बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक करंट होगा जो रेफरेंस एक्सिस पे होगा, राइट? तो लेट्स क्रिएट द फेजर डायग्राम नाउ। फेजर डायग्राम हम बना रहे हैं कंबाइंड सर्किट का, जो हमारे पास सर्किट है, हमारे पास रेफरेंस पर करंट होगा, तो दिस इज द करंट हियर आई। नाउ आई हमने बना लिया, अब हमें वी आर को रिप्रेजेंट करना है। एज वी नो द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस मस्ट बी इन द सेम फेज, तो अगर आई यहाँ पर है तो वी आर भी यहीं पर ही होना चाहिए, राइट? तो ये हमारा हो गया सेम एक्सिस पे वी आर। अब हमें वी सी को ड्रॉ करना है, वी सी हमारा करंट से 90 डिग्री से पीछे होना चाहिए, राइट? तो ये हमने बना दिया हमारा वी सी, जिसमें एंगल ऑफ लैग है 90 डिग्री का, राइट? तो ये हमारा फेजर डायग्राम होगा। अब फेजर डायग्राम में हमें चाहिए अप्लाइड वोल्टेज V, हमें इस अप्लाइड वोल्टेज V को कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस V? इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर बाय यूजिंग फेजर डायग्राम। ये जो VC है, इस VC को आप यहाँ पर डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? दिस इज नथिंग बट योर VC, एंड इफ यू ज्वाइन, सॉरी दिस विल बी नॉट एट आई, दिस विल बी ड्रॉन एट VR, right? ये तो हमारा करंट है, it has to be drawn here. This is VC, and once you join this line to here, this will be your V phasor, ठीक है? And you, as you see कि V और I के बीच में जो एंगल बन रहा है, let's say it is a phi angle, ठीक है? ये एक phi angle है, correct? तो ये हमारे पास फेजर डायग्राम क्रिएट हो गया है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो करंट है वो रेफरेंस पे हमने लिया है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस करंट के साथ सेम फेज में है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस करंट से 90 डिग्री से पीछे चल रहा है, या फिर हम कहें कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो बनेगा उससे 90 डिग्री से आगे हमारा करंट होगा। तो दोनों ही केस हमारे साथ यहाँ फुलफिल हो रहे हैं, जिससे हम इसको इजिली यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? नाउ अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करें यहाँ पर, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपको मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ठीक है? v क्या होता है? वोल्टेज इज नथिंग बट इक्वल्स टू करंट इनटू द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, राइट? तो करंट है आपका सर्किट का i, टोटल इम्पीडेंस लेट अस से z, इम्पीडेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एसी सर्किट के केस में हम रेजिस्टेंस को ना यूज करते हुए इम्पीडेंस को यूज करते हैं, बिकॉज देर आर number of elements like R, L, C and a combination of R, L or C, whichever element is available in the circuit, कोई एक हो या तीनों हो या दो हो, उन सब को combine करके हम कहते हैं कि impedance हमारे पास है, right? तो here we can write as I into Z का whole square, okay, so this whole square will be equals to V, VR, VR is equals to I into R. So let's put the value I into R here, I R ka whole square plus I X C ka whole square, theek hai? Right?
तो ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, आई को कॉमन ले देते हैं, आई को कॉमन लेके वहां से रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, और वी कैन से जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, इम्पिडेंस, इम्पिडेंस ऑफ ए सीरीज आर सी सर्किट, राइट। ये हमारा आ गया इम्पिडेंस ऑफ सीरीज आर सी सर्किट, वेयर वी नो दैट एक्स सी इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसका वैल्यू होता है 1/ωC, ऑल्सो 1/2πfC। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई यहां से हमें जो मिल रहा है। साथ साथ हम देखते हैं कि जो एंगल ऑफ लैग बन रहा है या एंगल ऑफ लीड बन रहा है, हमें पहले तो ये देखना है कि किस टाइप का एंगल यहाँ पर बन रहा है। जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है विद ओमेगा फ्रीक्वेंसी। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रोटेशन है तो हम देखते हैं कि वी और आई के बीच में जो रिलेशन है उसमें करंट आगे चल रहा है, राइट। तो फ्रॉम द फेजर डायग्राम यू कैन कंक्लूड दैट द करंट इज लीडिंग, राइट। यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम फेजर डायग्राम करंट आई इज लीडिंग द वोल्टेज वी, दिस इज कैपिटल आई, बाय एन एंगल फाइ। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब अगर ये करंट फाइ से लीड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी वेवफॉर्म बनाएंगे हम वोल्टेज और करंट के बीच में वो फाइ एंगल से फेज डिफर करेगी, दोनों आपस में एक दूसरे से फाइ एंगल से डिफरेंट होंगे। तो लेट्स क्रिएट द वेवफॉर्म। अगर हमारे पास वोल्टेज है, सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज है ओमेगा टी, दिस इज द वोल्टेज वेवफॉर्म दैट इज वीएम साइन ओमेगा टी, दिस इज जीरो पाई टू पाई, दिस इज बी। ठीक है, हमारे पास वोल्टेज है। अब फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो करंट का एक्सप्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, प्लस फाइव क्यों हमने लिखा, क्योंकि करंट लीड कर रहा है फाइव एंगल से, और अगर वोल्टेज का एक्सप्रेशन है वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज से फाइव एंगल से लीड कराने के लिए जो करंट का एक्सप्रेशन होना चाहिए दैट हैज टू बी इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। अब अगर प्लस फाइव का वेवफॉर्म बनाएंगे तो प्लस फाइव से लीड करना है, मतलब आपका जो एक्सिस है वो एक्सटेंड होगा फाइव एंगल से। लेट्स से कि यहाँ पर हमारा फाइव है, दिस इज फाइव। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का हमने मेजर किया है दिस इज फाइव। अब अगर कोई वेवफॉर्म यहाँ से शुरू होगी तो पाई से फाइव एंगल पहले वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद टू पाई से फाइव एंगल पहले ही वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेवफॉर्म बनेगी ये कुछ इस टाइप की होगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एज्यूमिंग दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज लेस देन द वोल्टेज एम्पलीट्यूड, सो दिस इज लाइक दिस, इट विल क्रॉस ओवर फ्रॉम दिस पॉइंट एंड विल गो लाइक दिस। ठीक है, दिस इज योर करंट आई, राइट। अब आप चाहें तो ये जो जीरो के लेफ्ट साइड में हमने लाइन को एक्सटेंड किया है आप उसको यहां से हटा भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, वो जस्ट हमने एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया है कि कहां से वेवफॉर्म शुरू होगी। तो यहां से वेवफॉर्म शुरू हुई, ये जो पॉइंट है दिस इज पाई माइनस ऑफ फाई, और ये जो पॉइंट है दिस इज टू पाई माइनस ऑफ फाई, क्योंकि फाई एंगल हमेशा मेंटेन होना चाहिए। तो ये वोल्टेज हो गया हमारा, ये हमारा करंट हो गया, और करंट का हमारे पास एक्सप्रेशन भी आ गया है। ठीक है, नाउ लेट सी सम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हियर। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज में थोड़ा डिस्कशन करते हैं क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज में ज्यादा आसानी से हम कर सकते हैं। वी हैव v is equals to vm sin omega t, तो इन फेजर फॉर्म हम लिख सकते हैं v bar is equals to v angle of zero। हमने करंट अभी देखा है कि करंट आया है हमारा sin omega t plus of phi। ठीक है, अब ये प्लस फाइव का यहाँ पर सिंपली मीनिंग ये है कि क्योंकि आपके पास आर सी कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट है, आपको पता है आर में वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल जीरो होता है, प्योरली कैपेसिटर में ये वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, और जो आर के साथ सी को आप जब मिक्स करोगे तो आपका जो एंगल ऑफ फाइव है वो वेरी करेगा, वो ना तो जीरो होगा ना तो 90 होगा, दैट हैज टू बी समवेयर इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री।
ठीक है, तो वो एग्जैक्टली कितना है वो हमें फाई एंगल एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताएगा, क्योंकि वी डोंट नो हाउ मच कैपेसिटर वी हैव एडेड इन द सर्किट, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर एंड द रेजिस्टेंस कि फाई का वैल्यू कितना होगा. फ्रॉम हियर वी कैन गेट आई बार इज इक्वल्स टू आई एंगल ऑफ प्लस फाई, ये चीजें हमें मिलती है. ठीक है, उसके बाद जब आप फेजर डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम में आप देखते हैं कि ये आपके पास आई बार होता है, ये आपके पास वी आर बार होता है, ये आपके पास वी सी बार होता है. ठीक है, इसको आप यहाँ पर एक्सटेंड करते हो, बिल्कुल वही फेजर डायग्राम है, कोई नई चीज हम नहीं बना रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, ये आपका वी बार है, ठीक है, एंड दिस इज योर एंगल फाइव. ठीक है, तो फ्रॉम द फेजर डायग्राम वी कैन से वी बार इज इक्वल्स टू वी आर बार प्लस वी सी बार. ठीक है, हम डायरेक्टली फेजर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं v बार इज इक्वल्स टू v r बार प्लस v c बार, वेयर v बार इज इक्वल्स टू i बार इनटू z इज इक्वल्स टू दिस इज i बार इनटू r प्लस i बार इनटू x c. अब ये जो x c है, आपको अच्छे से याद होगा कि x c कहां पर बनना चाहिए. अब चूंकि हम यहां पर जो v c को बना रहे हैं, आपको ये जो किस क्वाड्रेंट में हम बना रहे हैं वो नीचे की साइड बना रहे हैं. अब अगर आपको याद हो, हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे तो हमने यहाँ पे जे का मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर माइनस. सो क्योंकि वीसी हमारा नीचे की साइड में बना हुआ है, तो वीसी को हमें कंसीडर करने के लिए यहाँ पर माइनस ऑफ जे से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम ये चीज ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब हम कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में जाते हैं तो हम इस एक्सिस पर बनी हुई कोई भी क्वांटिटी को माइनस ऑफ जे से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो VC है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस एक्सिस पर प्लॉट किया गया है, और इस एक्सिस पर प्लॉट करने की वजह से उसका जो कंसिडरेशन होगा वो I इंटू एक्स सी ना होते हुए I इंटू माइनस ऑफ जे आई एक्स सी होगा, राइट, दिस इज मल्टीप्लाइड विद I ऑल्सो. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा i बार इनटू z इज इक्वल्स टू i बार इनटू r माइनस ऑफ j i बार इनटू x c. i बार से i बार को अगर आप सबको कैंसिल करते हैं तो इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म यू गेट z इज इक्वल्स टू r माइनस ऑफ j x c. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. हियर ऑल्सो यू कैन यूज z बार बिकॉज इट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. सो फ्रॉम हेयर आप अगर मोड ऑफ z निकालेंगे तो मोड ऑफ z विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको ऊपर भी मिला था, और साथ ही साथ अगर आप इसका एंगल निकालोगे तो एंगल विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन आर. ठीक है, ये यहां से निकल कर आ रहा है. साथ ही साथ आप ऊपर से भी देखोगे तो ऊपर से ऊपर वाले फेजर डायग्राम से भी आपको सेम चीज निकल कर आ रही है कि टेन फाइव इज इक्वल्स टू VC अपॉन VR. ऊपर से अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से निकल कर आ रहा था फेजर डायग्राम से tan phi equals to VC upon VR, and also you can write XC upon R, और phi is equals to tan inverse of XC upon R. तो फॉर्मूले दोनों ही केस में सेम होंगे, जो भी डेरिवेशन से कंक्लूजन निकल कर आएगा वो सेम आएगा, कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि फंडामेंटल्स एक ही हैं. एक तरफ आप विदाउट कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप विद कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हैं, तो दोनों केस में आप कैसे भी आप करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम मिलना चाहिए दोनों केस में. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस की अगर बात करें तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस. कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस का हमेशा फायदा ये होता है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स में क्वांटिटीज लिखते हो तो आप सिंपली कैलकुलेटर में यूज करके उसका एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो, उसको पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करके. ठीक है, ये बड़ा एक आसान सा यूजेस होता है कॉम्प्लेक्स में यूज करने का, जिसकी वजह से हम ज्यादातर कॉम्प्लेक्स को प्रेफर भी करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वन मोर थिंग यू कैन प्लॉट, दैट इज इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर सीरीज आरसी सर्किट. इम्पीडेंस ट्रायंगल में आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल जस्ट वी आर को रिप्लेस करना होता है इम्पीडेंसेस से. लाइक यू हैव वी आर इज इक्वल्स टू आई इन टू आर, ठीक है, वी सी इज इक्वल्स टू आई इन टू जे एक्स सी. आपको यहाँ से अगर आई को कैंसिल करना है तो आपके पास होगा यहाँ पे आई को कैंसिल करने के बाद यू हैव आर हेयर एंड यू हैव एक्स सी हेयर, एंड फाइनली जब आप इसको इससे ज्वाइन करते हैं तो यू हैव वी. वी इज इक्वल्स टू होता है आई बार इंटू जेड बार, तो हेयर यू गेट जेड बार एंड हेयर यू हैव फाई एंगल. ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पिडेंस ट्राइंगल. अगर आप इन सारी क्वान्टिटीज को इम्पिडेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इट विल बी an impedance triangle. This is impedance triangle.
इम्पीडेंस ट्रायंगल से भी आपको वही सारी चीजें मिलेंगी जो हमने अभी अभी ऊपर कैलकुलेट की हैं। आपने कैलकुलेट किया टेन फाइव दैट इज एक्स सी अपॉन आर, ऑल्सो यू कैन ऑल्सो गेट कॉस फाइव इज इक्वल्स टू आर अपॉन जेड। फ्रॉम हेयर यू कैन राइट इट एज आर इज इक्वल्स टू जेड कॉस फाइव। अगर आपके पास जेड पता हो आपको और आपको फाइव भी पता हो और आपको आर निकालना हो तो आप सिंपली लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू जेड कॉस फाइव। ठीक है, सिमिलरली एक्ससी अगर आपको निकालना है तो वो भी आप कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू जेड साइन फाइव भी आप यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूलेस का यूज करके आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके सिंपल से जो रिलेशंस हैं उन रिलेशंस को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई अननोन क्वांटिटीज निकालनी हो और कुछ नोन क्वांटिटीज आपको पता हो तो यू कैन यूज ऑल दीज फॉर्मूलेस, राइट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम अपने मेन कंक्लूजन पे आ जाते हैं। जो मेन कंक्लूजन हमारा वो ये है कि हमारे पास एक वोल्टेज है V is equals to Vm sin omega t और हमारे पास एक करंट है Im sin omega t plus phi। उन दोनों को हमने एक वेवफॉर्म पे अगर रिप्रेजेंट किया है तो दिस इज अवर वोल्टेज। फिर से हम एक बार वेवफॉर्म बना रहे हैं ताकि पावर के बारे में डिस्कशन किया जा सके। दिस इज अवर वोल्टेज एंड करंट हमें बनाना है तो इट विल बी लीडिंग, तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। तो दिस इज द करंट, राइट। तो ये है हमारे पास वोल्टेज, ये है हमारे पास करंट, एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों हैं। ठीक है, ये एंगल है हमारे पास पाई माइनस फाइव और ये वाला एंगल है हमारे पास टू पाई माइनस ऑफ फाइव। ओके, नाउ पावर एज वी नो कि इंस्टेंटेनियस पावर होता है, इंस्टेंटेनियस पावर स्मॉल पी इक्वल्स टू होता है स्मॉल वी इंटू स्मॉल आई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर। अगर वेवफॉर्म पे ही हम पावर को कैलकुलेट करना चाहें तो हम कुछ इंस्टेंसेस में मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं। आप देखेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में करंट भी पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करके आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो ये आपको मिल गया पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसको क्रॉस सेक्शन से बताते हैं। पाई माइनस फाइव से पाई के बीच में वोल्टेज पॉजिटिव है बट करंट नेगेटिव है, सो मींस यू विल गेट ए नेगेटिव वैल्यू हियर लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद पाई से टू पाई माइनस फाइव में दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, और अगर दोनों नेगेटिव है तो आपको फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। ये आपको मिल गई पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, टू पाई माइनस फाइव से टू पाई के बीच में करंट आपका पॉजिटिव हो गया है लेकिन वोल्टेज अभी भी नेगेटिव है तो यू विल गेट नेगेटिव वैल्यू। इस तरह से आपको एक ट्वाइस ऑफ ओमेगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी जिसमें आप ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेक्शन ज्यादा है नेगेटिव सेक्शन कम है। एक तो आपको ये चीज यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है जिससे ये चीज तो कंक्लूड होती है कि जब भी हम इसका आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। दैट मींस पावर का कंजम्पशन होगा, नेचुरली होना भी चाहिए पावर का कंजम्पशन बिकॉज रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्टेड है। क्योंकि रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्टेड है तो जो पावर का कंजम्पशन होगा वो पॉजिटिव कंजम्पशन होगा, पॉजिटिव वैल्यू हमको मिलेगी, राइट। तो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा यहाँ पे। वी हैव वी इज वी एम साइन ओमेगा टी एंड आई इज आई एम साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव। ठीक है, ये हमारे पास हैं दोनों वैल्यूज वोल्टेज और करंट की। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे तो हमारे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वही वैल्यू मिलेगी जो आपको आरएल वाले केस में मिली थी, सिर्फ डिफरेंस है एक फाइव एंगल का जो पुराने वाले केस में नेगेटिव था, इस वाले केस में पॉजिटिव है। सो यू विल गेट फाइनली वन अपॉन टू बी एम आई एम cos phi minus cos twice of omega t plus phi। ठीक है, ये आपको रिजल्टेंट मिलेगा। इस रिजल्टेंट को आप अगर आप ब्रेक करते हो तो यू विल गेट 1 by 2 Vm Im cos phi minus 1 by 2 Vm Im cos twice of omega t plus phi। ठीक है,
ये दो क्वांटिटीज हैं, दोनों क्वांटिटीज को देख के आपको क्लियरली दिखाई देता है कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको डीसी कंसीडर कर सकते हैं और एक एसी क्वांटिटी है जिसका फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ ओमेगा है। अब अगर आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हो, ठीक है, एवरेज पावर कैपिटल पी जो कि होना चाहिए 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई स्मॉल पी डी ओमेगा टी, ठीक है। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे ओवर ए कंप्लीट साइकिल तो आपको पता है डीसी वैल्यू का जो रिजल्टेंट आएगा एवरेज वैल्यू का वो सेम वैल्यू होगा, और एसी को अगर आप कंप्लीट साइकिल के लिए यूज करते हो और उसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, जीरो मिलता है, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी विल हैव पी एज 1/2 वी एम आई एम कॉस फाइ और वी एम बाय रूट टू इंटू आई एम बाय रूट टू कॉस फाइ That will become V into I into cos phi. V or I are the RMS values and the unit is watt. ठीक है, तो ये चीज आपको यहां से बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। या फिर आप इसको दूसरी तरह से भी निकाल सकते थे, अगर आपको एवरेज पावर P निकालना है तो एवरेज पावर P को निकालने का एक और तरीका था, एवरेज पावर P is equals to एवरेज पावर इन R प्लस एवरेज पावर इन C, ठीक है। जो टोटल एवरेज पावर होगा वो क्या होगा, एवरेज पावर इन R प्लस एवरेज पावर इन C, और एवरेज पावर इन R और एवरेज पावर इन C होगा, आपको पता है एवरेज पावर इन R होता है I स्क्वायर R, ठीक है, प्लस एवरेज पावर इन C आपको पता है होता है जीरो, क्योंकि ये हम प्योर रेजिस्टेंस और प्योर इंडक्टेंस वाले केस, प्योर कैपेसिटेंस वाले केस में आप आसानी से देख चुके हैं ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आपको फाइनली मिला आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर को आप कन्वर्ट कर लेंगे आई आर इंटू आई में, ठीक है, और आई को आप ब्रेक करेंगे वी बाय जेड में, क्योंकि आपको पता है जेड इज इक्वल्स टू है वी अपॉन आई, सो यू कैन राइट इट एज आई इज इक्वल्स टू वी बाय जेड, ठीक है, दैट विल बिकम इक्वल्स टू वी आई इंटू R upon Z, and what is this R upon Z? This is nothing but equals to cos phi. ठीक है? This is another way of calculating the average power in case of RL circuit as well as in case of RC circuit. दोनों ही केस में आप बिल्कुल इस तरह से average power को calculate करके दिखा सकते हैं, right? तीसरा method है complex के, ठीक है? Complex से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं. Complex power क्या होगा आपका? Complex power होता है S bar is equals to V बार इंटू आई बार का कॉन्जुगेट, ठीक है, V बार है आपके पास V एंगल ऑफ जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे I बार से I एंगल ऑफ माइनस ऑफ फाइव, ये आपको देगा V I एंगल ऑफ माइनस फाइव, ठीक है, ये आपको यहां से मिल जाएगा। आप फर्दर इसको ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के बाद आपको मिल जाएगा V I cos phi माइनस ऑफ J V I sin phi, ठीक है, ये मिलेगा। साथ ही साथ आपको पता है S बार इज इक्वल्स टू होता है P प्लस जे क्यू, यहां से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है P इज इक्वल्स टू है वी आई कॉस फाइव वॉट एंड Q इक्वल्स टू है वी आई साइन फाइव, जो कि नेगेटिव की आ रही है यहां पे वी ए आर। नेगेटिव की क्यों आ रही है ये, क्योंकि इन केस ऑफ कैपेसिटर रिएक्टिव पावर नेगेटिव होता है, ठीक है, ये एक कैपेसिटिव सर्किट की पहचान है कि जब भी आपको रिएक्टिव पावर नेगेटिव में दिखाई दे इट मीन्स आपका जो सर्किट है वो एक कैपेसिटिव सर्किट है, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट कॉम्प्लेक्स पावर, आरएमएस वैल्यूज ऑफ सॉरी एवरेज वैल्यू ऑफ पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। और ये है आपका एपरेंट पावर, अगर आपको एपरेंट पावर भी चाहिए तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी दिस इज नथिंग बट एपरेंट पावर वोल्ट एम्पियर्स में, ठीक है। तीनों की तीनों पावर आप आसानी से सिंगल एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। दैट इज व्हाई कॉम्प्लेक्स से जो हम सॉल्व करते हैं अच्छे से सीख के समझ के वो सबसे बेटर होता है। कॉम्प्लेक्स से अगर हम करेंगे तो वो एक बेटर मेथड हमेशा प्रूव होता है, ठीक है। नाउ लैगिंग और लीडिंग के कॉन्सेप्ट में हम क्या कहेंगे, हमने देखा था कि जब हमने प्योर कैपेसिटर पढ़ा था तो 90 डिग्री से लीडिंग हमने कहा था। यहाँ पर भी आप फाई एंगल को आसानी से निकाल सकते हैं, फाई एंगल दैट इज फेज एंगल, फाई को निकालने का तरीका है हमारा एंगल ऑफ वी माइनस ऑफ एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ वी यहाँ पर है जीरो, माइनस ऑफ एंगल ऑफ आई हमारे पास
फाई एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री हमारे पास नहीं है, तो वी विल राइट इट एज माइनस ऑफ फाई, और माइनस का मतलब होता है लीडिंग, ठीक है, तो दैट इज वाई वी विल से कि फेज एंगल हमें लीडिंग मिलेगा, ठीक है। अब अगर फेज एंगल लीडिंग है तो दैट मीन्स हम पावर फैक्टर में जहां भी मेंशन करेंगे पावर फैक्टर कॉस फाई विल ऑल्सो बी लीडिंग, ठीक है। तो जहां पर भी हम कॉस फाई का वैल्यू लिखेंगे एक कैपेसिटिव सर्किट में, आरसी सर्किट में, और वो एक सर्किट कैपेसिटिव इन्फ्लुएंस्ड सर्किट होगा, उस केस में हम हमेशा पावर फैक्टर के साथ ब्रैकेट में लीडिंग जरूर लिखेंगे, ठीक है। जैसे प्रीवियस वाले केस में आरएल के केस में हमने लैगिंग लिखा था, वहां पर हमारा लैगिंग था, इस केस में चूंकि फाई का एंगल हमें नेगेटिव मिल रहा है और नेगेटिव में हमें पता है कि नेगेटिव मतलब होता है लीडिंग, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग इन नेचर है, ठीक है। तो ये सारे हमारा कंक्लूजन्स है यहाँ पर, हमने जो फाइनली पढ़ा है एक बार क्विकली देख लेते हैं। आरसी सर्किट में हमने देखा कि हमने सबसे पहले एक वी अप्लाई किया जो था वी एम साइन ओमेगा टी, वी लगाने के बाद हमें जो आई मिला वो मिला आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, प्लस फाइव का मतलब है लीडिंग इन नेचर। यहाँ पर जो जेड मिला वो हमें मिला रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर कॉम्प्लेक्स में बात करें तो ये था आर माइनस ऑफ जे एक्स सी, ठीक है, वहां पर एक्स सी हमारे पास है वन अपॉन ओमेगा सी। साथ ही साथ हमें पता है कॉस फाइव इक्वल्स टू होता है आर बाई जेड, सेम होगा यहाँ पर, जो कॉस फाइव आएगा वो लीडिंग इन नेचर होगा, ठीक है। दूसरी चीज टेन फाइव हमें मिला है यहाँ पर एक्स सी अपॉन आर, इन जनरल आप कह सकते हैं रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू टेन फाइव होता है। अब जिस टाइप का सर्किट है उस टाइप का आप रिएक्टेंस वहां पर यूज कर लेंगे। इन केस ऑफ आर एल हमने एक्सएल बाई आर किया था, इन केस ऑफ आर सी हमारे पास यहाँ पर एक्स सी अपॉन आर आ रहा है, बाकी सारी पावर्स एज इट इज आएंगी। अगेन हमारे पास जो एक्टिव पावर है वो आता है वी आई कॉस फाइव, और जो हमारा रिएक्टिव पावर होता है वो होता है वी आई साइन फाइव। बट यहाँ पर एक चीज इंटरेस्टिंगली हमें दिखाई दी है कि जो आर सी सर्किट होता है उसमें जो रिएक्टिव पावर है वो नेगेटिव वैल्यू हमेशा मिलेगी, ठीक है, कभी भी जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल ऑलवेज हैव ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर एंड द अपेरेंट पावर वी गेट वी इन टू आई, ठीक है। ये सारे कंक्लूजन हमने यहाँ पर निकाले हैं, और जो फेजर डायग्राम हमारे पास निकल कर आया है यहाँ पर इस केस के लिए वो आया है कि वोल्टेज से करंट फाई एंगल से लीड कर रहा है, ठीक है, ये है हमारा फेजर डायग्राम। तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज आरसी सर्किट, ठीक है। अगर आपको स्टिल यहाँ पर जो भी चीजें डिस्कस की हैं उनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पिछले तीन या चार जो वीडियोस हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था प्योरली रेजिस्टेंस से, वो सारे एक बार वीडियोस को अच्छे से देख के उनको समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से बिल्डअप हुए हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ही हम यहाँ पर आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग न्यू, वी आर जस्ट यूजिंग दोज थिंग्स जो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, राइट, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए, इनके सारे जो फॉर्मूले हैं उनको रटने की बजाय समझने की कोशिश करिए कि वो फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं और क्या क्या उनका यूज है, तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगले वीडियो में हम सीरीज आर एल सी को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम तीनों के तीनों एलिमेंट्स को एक साथ यूज करेंगे। सो टिल देन वीडियो को इसको देखिए, समझिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो